आशा, जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पेठे की बर्फी। इस बर्फी को व्रत में भी खाया जा सकता है और बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं पेठे की फलहारी बर्फी। ये वही पेठा है जिसका कि मिठाई बनता है, पेठा, इसकी आज हम बर्फी बनाएंगे। इसकी बर्फी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बनाते व्रत में खाने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से रखें, ड्राई फ्रूट ना डालना चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। देसी घी, चीनी, तो सबसे पहले हम इस पेठे को ग्रेट कर लेंगे। दूध को हमने रख दिया है बॉईल होने के लिए। दूध को हम बॉईल चलाते हुए बॉईल करेंगे और इसको एकदम गाढ़ा कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई और रख दिया है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इस कढ़ाई में हम इस पेठे को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस पेठे को हम बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको ढक के स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर कुक होने देते हैं, इसको हम पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है, इसको और गाढ़ा करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि ये चीनी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर 1.5 कप चीनी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, आपको मीठा कम करना है तो चीनी की मात्रा जो है इसमें कम करें। अभी पेठा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हमें इतना ही भुनना था तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से भुन लिए हैं, अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब इस पेठे को इसमें हम डाल देंगे। इसमें एक कुटी हुई इलायची हम ऐड कर देंगे। फ्रीजर में डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और जम जाएगा। फिर हम इसके बर्फी कट करेंगे इसमें से। तो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आगे का प्रोसेस जो है बाकी है। बर्फी को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें कि जब आप बनाएं तो इसमें थोड़ी सी मूंगफली का पाउडर ऐड करें। मूंगफली को भून के उसको आप पीस लें बारीक और इस बर्फी में ऐड करें, उससे ये बर्फी और भी ज़्यादा स्मूथ बनती है और इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप फलहारी बर्फी बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो एक बार आप बना लेंगे तो आपको हर व्रत में बनाने का मन करेगा, ये इतना अच्छा बनता है। तो इस तरह से आप पेठे का फलहारी बर्फी बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।